दिशा के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा, किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूँ, किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूँ, दिशा तुम हो वैद्य परिवार की बहू। सुपर। ये मराठीच मी हिंदी ट्रान्सलेट केलेलं। आई थिंक दिशा ने गूगल किया था, एक मिनट है क्या? हाँ, श्रेयस क्या? एक मिनट दिल से। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी कोई सवाल है पूछने का? लुक एट हिम, एकदम धूले के रूप में, बहुत ही हैंडसम। थैंक यू एंड आई फील वेरी लकी टू बी हिज वाइफ। अरे मेरे दोस्त ने धोखाधड़ी करी मेरे साथ यार, मेरे दोस्त ने धोखाधड़ी करी मेरे साथ। हुआ क्या कि मेरा एक भाई है सनी नाम का, तो अली ने मेरी मुझे एकदम छुपा के रखी थी, उसके पास सुरक्षित रखी थी। अब क्या हुआ, वो मेरे दोस्त ने अली को बोला कि मोजड़ी मुझे दे दो, और वो इसकी दोस्त के साथ जाके बेच दिया उसको। तो अभी मेरे को बहुत एक बड़ा फटका लगा है, एंड आई हैव पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। तो अब आप उस जख्म के ऊपर अभी नमक ना छिड़कें। मेरे दिल की है खुशियां अपरंपार, और क्या था, खुशियों की भरमार दिशा परमार। सॉरी ये राइम नहीं हुआ, खुशियों की भरमार दिशा परमार। बट ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, मुझे अभी हमारी इनकी जो मेकअप पर्सन है वो कह रही थी, कहती दिशा भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थी, ना ही आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो। तो मैंने कहा हाँ, ना वो स्ट्रेस है ना मैं स्ट्रेस्ड हूँ। तो वो कहती है व्हेन टू राइट पीपल मैरी ईच अदर देर इज़ नो स्ट्रेस। एंड ऑनेस्टली दिस वेडिंग हैज़ बीन हेक्टिक बिकॉज preparations करने में हम एक एक डिटेल में भी पर्सनली लुक्ड इनटू इट, एंड देयर वाज नॉट इनफ टाइम आल्सो। टाइम नहीं मिला था, मैं अभी खतरों के खिलाड़ी से 20 दिन पहले ही लौटा था। सो बहुत ज़्यादा शेड्यूल वाज वेरी टाइट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स बीन सच अ ब्यूटीफुल डे, एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट डे फॉर बोथ ऑफ अस एंड आवर फैमिलीज। एंड वो इतने ईजीली हो गया है, इस बात को मुझे अचंबा है कि मेरे जितने दोस्त काफ़ी लोग कहते हैं यार शादी ऐसी होती है वैसी होती है, बट इट्स जस्ट बीन सो ब्यूटीफुल। डॉक्टर आई मीन बहुत खुश हूँ मैं। इस दिन का वेट हर लड़की बचपन से करती है, तो फाइनली मेरे लिए भी वो दिन आ गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ डॉक्टर नाउ। जी हाँ जी हाँ। अरे नहीं, अरे नहीं, भाई को बुलाया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जी आई हैव इनवाइटेड भाई। आपका खुद दोनों का क्या नजरिया, क्या आप दोनों की, आप दोनों क्या सोचते हैं बारे में, क्या इतना एकदम पूरी लव स्टोरी बन गई है, पूरी कहानी है आप दोनों की जीवन में? यूजुअली कहानी कन्वर्टिंग इन, जी हाँ, यूजुअली लव स्टोरीज जो होती हैं वो पर्सनल होती हैं, बट मुझे इस बात की जेन्युइन बहुत ज्यादा खुशी है दिल से कि हमारी लव स्टोरी के साथ पूरे देश ने, ना कि पूरे देश ने बट पूरे विदेश में जितने हिंदुस्तानी और देसी लोग रहते हैं उन सभी लोगों ने हमारी लव स्टोरी के साथ कनेक्ट किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ कोई फ़ोटो खिंचाता तो फिर कहता है दिशा को प्लीज़ मेरा हेलो बोलना। सो आई थिंक इट इज़ सच अ ब्लेसिंग दैट पीपल एक्चुअली सेलिब्रेट आवर लव एज देयर ओन। सो आई थिंक आई डोंट थिंक आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग मोर। आई अग्री टू हिम। लोग एक्चुअली हर कोई बहुत प्यार दे रहा है हमको, जब से राहुल ने बिग बॉस पर प्रपोज किया है तब से लेके अब तक मैंने कभी हमारे बारे में कुछ ऐसा बुरा नहीं सुना या कहीं बुरा नहीं पड़ा अबाउट टू ऑफ अस। आई हैव ओनली सीन लव। सो आई थिंक वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ है दैट हर कोई हमको प्यार करता है, एंड दैट्स रियली स्वीट ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू एक्चुअली, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर बीइंग सो पेशेंट, एंड आपने इतना प्यार जताया है। जितने भी आप पेपराजी हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आप जब भी मिले आपने शादी का जिक्र किया, शादी के बारे में पूछा। सो तहे दिल से थैंक यू। इसके पहले मैं ज़्यादा खुल के आप लोगों से बात नहीं कर पाया था, बट हमेशा से कहा था कि 16 को जब लोग आप आएंगे आपसे एकदम दिल खोल के बात होगी, अगर ये मोबाइल साइलेंट पर डाल दें तो। सलमान भाई संगीत में आने की पॉसिबिलिटी है?
I don't know. We've genuinely invited from all the heart, from all of our heart. We've invited Bhai, and I hope he finds time and he blesses us. Okay, Rahul, आपके कोरियोग्राफर से मेरी बात हुई थी, सुमित से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आप मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी चीज़ों से इतना थक हार के जब आप रात में रिहर्सल के लिए आते थे तब वो थकान बिल्कुल भी मतलब चली जाती थी और ज़्यादा मस्ती करते थे. एक्चुअली ये परफॉर्मेंस हमेशा ये बहुत स्पेशल रहने वाली है. शादी की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत स्पेशल होती है. वैसे हम काफ़ी बार हमारे लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं, टेलीविजन शोज और टीवी शोज, अवार्ड शोज में परफॉर्म करते हैं, बट ये एक परफॉर्मेंस है जो मेरी दिशा के लिए होगी एंड दिशा की मेरे लिए होगी और हमारी दोनों की साथ में हमारे लिए एंड जितने लोग इन्वाइटीज हैं उनके लिए होगी. तो इसीलिए ये स्पेशल ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए. एंड क्या है ना, शादी एक्चुअली अगर अपने लोग उसमें खुशी मना सकते हैं, दैट्स ऑल दैट वी वांट. एंड हम बहुत खुश हैं कि दिशा की फैमिली, मेरी फैमिली के जितने हमारे रिश्तेदार हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो सब आए, उन्होंने यू नो दे ब्लेस्ड अस, सो वेरी वेरी थैंकफुल. संगीत भी शादी के बाद अगले वाले दिन रखा हुआ है, तो जी हम फ्रेश लगे. यूजुअली होता उल्टा है, लोग पहले इतनी पार्टी करते हैं उसके बाद थक जाते हैं. तो मुझे लगता है शादी जो मेन चीज़ होती है, जो बंधन, जो एक यू नो द सेरेमनी होती है, वो होनी चाहिए अच्छे से. इसलिए हमने ये डिसाइड किया था दोनों ने कि पहले हम ये करेंगे. एंड हमारे जो कॉपर इवेंट्स के प्रतीक हैं, मिथिलेश हैं, उनकी पूरी टीम है, एंड जो ग्रैंड हयात का हमारा जो यहाँ पे स्टाफ, ऑल द पीपल, दे बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव. ये कोविड टाइम्स हैं एंड इस टाइम में शादी प्लान करना, एक्सिक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. वो तो आपने सबने देखा, वो तो भाई ये वैसा प्रपोजल था कि पता भी नहीं था कि कर दिया और होना क्या है आगे. बिकॉज बिग बॉस का अगर ऐसा घर होता है कि वहाँ पे अपना होश और सुध बुध खो बैठते हो एंड उसके बाद अचानक, एक्चुअली आई नोन हर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. हमारी सच कहूँ तो इंस्टाग्राम की लव स्टोरी है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ वी मेट ईच अदर. बिग बॉस में मैंने प्रपोज इनको ज़रूर किया था, बट आई हैव मेट हर ऑन इंस्टाग्राम. हमारे एक दोस्त हैं जितेश पिल्ले, उन्होंने मेरा एक गाना मेरे रश्के कमर वो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम पे. वहाँ पे दिशा को वो गाना बहुत पसंद आया था एंड दिशा ने वहाँ पे कमेंट किया था दैट वेरी वेल डन. और मैंने देखा इतनी सुंदर लड़की, तो फिर तो क्या, रेस्ट इज हिस्ट्री. सो आई मेड द फर्स्ट मूव, बट आई एम ग्लैड शी मेड द मूव सो दैट आई कुड टेक इट फॉरवर्ड एंड क्लोज इट. लोनावला. बट ऑनेस्टली हम एक्चुअली जेन्युइनली हम हनीमून इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स फॉर अबाउट 7 days, 7-10 days एट लीस्ट. बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, ओवरवर्क रहे हैं. हम सबके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं सिवाय एक दूसरे के. तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत जल्द कहीं जाए, बट ऑनेस्टली कोई प्लानिंग नहीं है. आप जानते हैं आजकल एक फ्लाइट लेके जाना इज सो मच ऑफ एन हैसल. सो वी लेट थिंग्स सेटल डाउन एंड प्रॉब्ली लेटर. जी भाई पूछना क्या चाहते हो? हाँ भाई, अब रोमांस करने से पहले कोविड टेस्ट थोड़ी कराऊंगा. कमाल कर रहे हो यार. ये क्या पूछ लिया भाई? ये बात नहीं समझी. हाँ कट कट कट. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मजा है. हाँ आप BMC से आए हैं क्या? ओके ओके. आपकी शादी हो चुकी है? तभी ऐसे सवाल पूछा. तभी टेस्ट करते रहते हो. चलो ए उखाड़ा मिल गया क्या? गूगल करो यार. हाँ तुम बोलोगे. श्रेयस इज माय गूगल, ही विल हेल्प मी. नीला 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 आकाशा. नीला नीला आकाशा. अरे निया निया आकाशत. समसम ता तारे. राहुल से नाम घेते. राहुल से नाम घेते. लक्ष्य दया सारे. ये सो क्यूट. प्लीज ट्रांसलेट. गाना यार, गाना
sing our wedding song now. What are the lyrics? Sorry, I'm just forgetting it. मत्थे ते चमकलवा हो तेरे बिच क्या यार सॉरी कुछ और गा देते हैं कुछ और गा देता हूँ सो एक्चुअली आई वुड लाइक टू सिंग द सॉन्ग जहाँ से हमारी जहाँ पे हम ये नीचे रख दूँ ओके ओके सॉरी सो एक्चुअली आई वुड लाइक टू सिंग द सॉन्ग जिसकी वजह से हम एक दूसरे को पहली बार जान पाए थे उसका वीडियो हमने दिल्ली में शूट किया था एंड द सॉन्ग वॉज याद तेरी And on this special occasion, वो actually वो departing गाना है वो याद वाला गाना है but आज मैं बहुत खुश होके गा रहा हूँ दिशा तू छड़ गई मैनू मैं रह गया कल्ला जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला तू छड़ गई मैनू मैं रह गया कल्ला जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला तेनू की पता किन्ना मरदा रिया किन्ना जींदा रिया याद तेरी आंदी रही मैं सारी रात पींदा रिया ओ याद तेरी आंदी रही मैं सारी रात हंसता रहा थैंक यू थैंक यू एक्चुअली मुझे अभी भी जेन्युइनली ये इतने इजीली हो गया है इसलिए मुझे लग रहा है कि यार इतना इतना प्यारा सा एक सपना है बट अगर ये सपना है तो आई होप ये सपना ही रहे प्यारा सा सपना जो हमारे लिए है ये एक्चुअली हमारे लिए एक रियलिटी है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दैट आई हैव गॉटन मैरिड टू यू आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर एनीथिंग बेटर एक्चुअली सबसे कमाल की बात यह है कि हम दोनों को एक दूसरे को कभी भी सोचना नहीं पड़ा कि एक दूसरे से शादी करनी है कि नहीं करनी है We were always for each other and love you. Thank you everybody. Thank you for coming. Thank Please, you. Mithai. Can I have some boxes? Mithai boxes, please. Just I'll hand over to you. Ji, sorry. Podium, haan ji. Podium, hada dengi, please. Arey, mic to lo yaar.